हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है, ठीक है। किस प्रकार से हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। इससे पहले समझ लेते हैं कि ये हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसमें दो प्रतिक्रियाएं काम कर रही है, ठीक है, आर ए और आर बी। सबसे पहले हमें इनका मान निकालना होता है कि इनका मान क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। आपने मैकेनिक्स के अंदर इसका मेथड पढ़ा होगा, वो मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं। आर ए प्लस आर बी, यानी कि जो नीचे से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कितना बल ले पा रही है वो देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। 3 किलो न्यूटन प्लस 4 और प्लस 7, ये हो जाएंगे 14 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी समीकरण नंबर एक। अब जो हमारी ए पॉइंट है इसके परिचय हम आघूर्ण लेंगे। सभी जो हमारे बल लगे हुए हैं आर बी 7, 4 और 3 जो बल लगे हुए हैं उनका हम आघूर्ण ए के परिता लेंगे। ए के परिता आघूर्ण लेने पर जो आघूर्ण होता है आपका वो बल गुना दूरी का गुणनफल होता है, ठीक है। बल और दूरी का गुणनफल होता है, उसी के अनुसार हम इसे लेंगे। जैसे कि लेंगे तो आर बी गुना यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आर बी की, 1 और 6 7 बराबर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे 7 किलोन्यूटन का जो बल लगा हुआ है उसकी ए पॉइंट से दूरी, तो 7 गुना 6 प्लस 4 किलोन्यूटन की यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 4, यानी कि 4 गुना 4 प्लस 3 किलोमीटर की यहाँ से दूरी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 6 7 42, 4 4 16 और 3 2 6 16 और 6 22 और 42 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। आर बी गुणा 7, आर बी का मान यहाँ से आ जाएगा 64 को भाग कर दो 7 से 7 9 63, 7 1 7 7 6 28 और 7 3 21, तो ये हो जाएगा 9.143 किलोन्यूटन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने हमें पता चल चुका है कि आरबी की जो प्रतिक्रिया है वो 9.143 किलोन्यूटन है, ठीक है। तो हमें यहाँ से आरबी का मान पता चल चुका है, तो इसे हम लिख लेंगे 9.143 किलोन्यूटन आरबी का मान हम निकल के आ चुका है। और आरबी का मान समीकरण एक में रख देंगे, आरबी का मान समीकरण एक में रखने पर आर ए प्लस 9.143 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये इधर जाकर घट जाएगा, आर ए का मान आ जाएगा 14 माइनस 9.143, ठीक है। ये कितना बच जाएगा 4.857 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम आर ए और आर बी की हमें प्रतिक्रिया पता चल चुकी है। तो चलिए अब हम शेयर फोर्स डायग्राम निकालेंगे। अब शेयर फोर्स डायग्राम किस प्रकार से हमें निकालना है, तो आर ए का मान हमारे पास आ चुका है 4.857 किलोन्यूटन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने नोट कर लिया है। ये नोट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी। आप जब अपने एग्जाम में करोगे तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं शेयर फोर्स डायग्राम SFD। सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन ठीक है, जो आपका नीचे से ऊपर की ओर जो बल लग रहा है वो हम पॉजिटिव लेंगे और जो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है उसे हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जो भी हमारा पॉइंट होता है जैसे कि बी पॉइंट है, उस पॉइंट पर दो अवस्थाओं का हम कल्पना करते हैं कि जब उस पर भार नहीं आ रहा था उस समय पर उसकी व्यवस्था क्या थी और भार आने के बाद उसकी व्यवस्था क्या हो गई है। तो इन बातों पर हम ध्यान रखते हैं, इसे ही हम जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी पर जब इस पर कोई प्रतिक्रिया और कोई लोड नहीं आ रहा था उस समय उसकी व्यवस्था क्या थी, इसे हम बोलेंगे
SF 8.D जस्ट बिफोर, यानी कि लोड आने से पहले उसकी व्यवस्था क्या थी, जस्ट बिफोर, ठीक है। तो उस पर कोई लोड नहीं आ रहा था, मानेंगे उस पर जीरो किलो न्यूटन का लोड था, उस पर जीरो किलो न्यूटन का लोड था, ठीक है। फिर उसके बाद SFB जस्ट बिफोर, जब हम यहाँ से चले, ठीक है, जब हम यहाँ से चले तो हमारी जो प्रतिक्रिया है वो नीचे से ऊपर की ओर कार्य कर रही है, यानी कि इसका मान पॉजिटिव लिया जाएगा। और जब हम यहाँ से चले तो 9.143 किलो न्यूटन का लोड हमारे पास था, ठीक है, पॉजिटिव में 9.143 किलो न्यूटन का लोड हमारे पास था, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, और इनको करवाते हुए मैं आप लोगों का जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसे भी मैं साथ साथ बनाता रहूँगा, ठीक है। जैसे कि ये आपकी एक मिडिल लाइन है शेयर फोर्स डायग्राम की, ठीक है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, यहाँ पर जब हम यहाँ पर इस बी पॉइंट पर कोई भी लोड नहीं था तो इस पर जीरो किलो न्यूटन का लोड आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब इस पॉइंट पर प्रतिक्रिया का लोड आया, जब हम यहाँ से चलने की अवस्था में हैं, ठीक है, तो इस पर 9.143 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर आ रहा है, ये हमने मान लिया। जो हमारा पॉजिटिव लोड होगा उसका डायग्राम हम ऊपर की ओर बनाएंगे, ठीक है, ऊपर की ओर उसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9.143 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ तक का पॉइंट आपको पता चल चुका है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, तो ठीक है, ये थी बी पर प्रतिक्रिया जो भी हमारी है। अब हम बात कर रहे हैं, हम बी से हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, आगे हम जाते हुए इतना ही लोड, जितना ये है इतना ही लोड हम ई तक लेकर पहुंचे। इसके एक पॉइंट पहले की बात हम कर रहे हैं, जब एक पॉइंट पहले की बात हम कर रहे हैं तो इतना ही लोड 9.143 ही किलो न्यूटन यहाँ पर ई तक होगा, इसके जस्ट बिल्कुल पहले, यानी कि जस्ट बिफोर, ठीक है, जस्ट बिफोर होगा आपका 9.143 किलो न्यूटन। और फिर जब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो 7 किलो न्यूटन का लोड और हमारे ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये गलत हो गया था यार, और फिर क्या होगा, जस्ट आफ्टर यहां पर पहुंचने के बाद ई पर हमें 7 किलो न्यूटन का और लोड मिल जाएगा, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसकी प्रतिक्रिया ऊपर से नीचे की है, इसलिए ये हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो 9.143 ये तो हमारा लोड यहाँ तक पहुँचने से पहले तक का था, और इसमें से 7 किलो न्यूटन का लोड जो है घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.143 किलो न्यूटन। तो यहाँ तक का लोड अब ई पॉइंट पर आ चुका है। अब यही लोड हम यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हुए प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जब आप अपने एग्जाम में ये डायग्राम बनाओगे तो आप उसका कोई भी स्केल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप स्केल कोई भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे कि 7 किलो न्यूटन का लोड है तो उसमें 7 सेंटीमीटर आप मान सकते हैं कि 7 किलो न्यूटन बराबर हो सकता है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलो न्यूटन आप 1 सेंटीमीटर को दर्शाइए तो भी आप इस क्वेश्चन को वहाँ पर इसका ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको, जैसे कि आपको पता है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो 2.143 किलो न्यूटन का लोड आपका लगभग आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2.143 किलो न्यूटन। इतनी बात आप लोगों को पता चल गई होगी कि यहाँ तक का शेयर फोर्स डायग्राम आपका किस प्रकार से आया है। अब देखिए, अब हम यहाँ से ई पॉइंट से आगे की तरफ जब चलेंगे डी पॉइंट की तरफ तो क्या होगा, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे डी पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके जस्ट एक पॉइंट पहले तक आपका लोड 2.143 तक ही रहेगा, ठीक है। तो इसका हम यहाँ तक का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, डी पॉइंट तक का हमने डायग्राम यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक लोड 2.143 किलो न्यूटन तक का ही रहेगा जस्ट डी से पहुँचने से पहले, यानी कि जस्ट बिफोर ऐसा डी, यानी कि सिर्फ और डायग्राम होगा जस्ट बिफोर का आपका, ठीक है। इतनी बात आपको पता चल गई होगी 2.143 किलो न्यूटन। और फिर जब हम यहाँ पर डी पर पहुँच गए हैं तो 4 किलो न्यूटन का लोड ऊपर से और आ गया है,
तो फिर क्या होगा, जस्ट आफ्टर 2.143 माइनस हो जाएगा 4 किलोन्यूटन, क्योंकि ऊपर से लग रहा है माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका 1.857 किलोन्यूटन, ठीक है, ये होगा आपका माइनस का, ठीक है, ये माइनस का लोड होगा, जो माइनस का लोड होगा वो हम चित्र में नीचे की तरफ दिखाएंगे, ठीक है, तो जब 4 किलोन्यूटन का लोड लग जाएगा तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, इतनी बात आपकी समझ में बिल्कुल आ गई होगी, 1.857 किलोन्यूटन, ठीक है। तो अब हम शियर फोर्स डायग्राम में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम डी पर पहुँच चुके हैं, तो डी से जब हम आगे बढ़ेंगे सी पर पहुँचने से पहले ये लोड आपका इतना ही चलता रहेगा 1.857 तक का, ठीक है, यानी कि जस्ट बिफोर सी, सी पर पहुंचने से पहले माइनस के 1.857 किलोमीटर, और जब हम पहुंच गए हैं यानी कि सी पर पहुंचने के बाद जस्ट आफ्टर 3 किलोमीटर का लोड और आ गया है, तो यानी कि माइनस के 1.857 प्लस, सॉरी ऊपर से लगा हुआ लोड है तो माइनस किया जाएगा, माइनस के 3, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 4.857 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप समझ में आ गई होगी, तो इसे अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसे हमें यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ हमें अपना चित्र बना रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस के 4.857 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा सी पॉइंट है तो ये और भी ज़्यादा नीचे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी इसकी व्यवस्था 4.857 तक की, ठीक है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, तो चलिए अब देखते हैं हम आगे हमारा शियर फोर्स डायग्राम क्या बनता है। अब यहाँ पर हम सी पर पहुँच चुके हैं, अब हम सी से जब ए की तरफ जाएंगे तो ए तक पहुँचने तक उससे जस्ट बिल्कुल पहले, ठीक है, हमारा लोड इतना ही चलता रहेगा, लेकिन ए पर पहुँचने के बाद जो हमारी प्रतिक्रिया है ये आपस में मिल जाएगी, यानी कि ए तक पहुंचने से पहले जस्ट बिफोर ए हमारा लोड माइनस के 4.857 चलता रहेगा, ठीक है, और जब हम ए पर पहुंच जाएंगे जस्ट आफ्टर, जब हम यहां से चलेंगे जस्ट आफ्टर 4.857 और प्लस जो हमारी ये प्रतिक्रिया लगी हुई है, ठीक है, ए पर ये प्रतिक्रिया भी तो लगी हुई है और ये प्रतिक्रिया नीचे से ऊपर की ओर लगी हुई है, इसलिए ये इसमें जुड़ जाएगी 4.857, लेकिन ये जो है अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ए पॉइंट पर हमारा अंत में आकर 0 किलोन्यूटन का लोड हो जाएगा, ठीक है, तो इसे यहाँ से हम मिला देंगे तो हम शियर फोर्स डायग्राम में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये हो गया 0 किलोन्यूटन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है बच्चों। तो शियर फोर्स डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। इसमें जो आप एंटी क्लॉकवाइज जो लेंगे आप उसे हम पॉजिटिव मानेंगे और जो क्लॉकवाइज बल लगे हुए होंगे उन्हें हम निगेटिव मानेंगे, ठीक है, तो इसी तरह से आप साइन कन्वेंशन लेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले बी पॉइंट पर, यदि हम बी पॉइंट पर बल आघूर्ण की गणना करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ठीक है, इस बी पॉइंट पर हम बल आघूर्ण की गणना करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आर बी प्रतिक्रिया है इसका बल 9.143 आ रहा है, ठीक है, 9.143 आ रहा है, लेकिन इसकी जो दूरी है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बी पॉइंट पर इसकी दूरी कुछ भी नहीं है, इसलिए वो होगी जीरो, तो जब इसकी जीरो से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 0 किलोन्यूटन मीटर, यानी कि बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कुछ भी नहीं है, 0 किलोन्यूटन मीटर है, ठीक है, तो हमें पता चल गया है बी पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो बी पॉइंट का हमें पता चल चुका है। अब हम बात करेंगे जो हमारा पॉइंट ई है, इस पर जो प्रतिक्रिया है उसे हम किस प्रकार से लेंगे, ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी प्रतिक्रिया है उसकी गुणा हो जाएगी इसकी यहाँ तक की दूरी से, ठीक है, 9.143 गुणा ए, ठीक है, और फिर माइनस इसमें से होगा जो 7 किलोन्यूटन का लोड है उसकी दूरी तो कुछ भी नहीं है,
वो भी इसकी तरह जो जैसे हमने बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट ज्ञात किया था वो भी इसकी तरह जीरो हो जाएगा, इसलिए उसे हम गणना में नहीं लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 9.143 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि जो बेंडिंग मोमेंट ई पर आ रहा है वो 9.143 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे, अब हम बात करते हैं डी पॉइंट की। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डी पर क्या होगा, जो नीचे से जो बल लगा हुआ है ये हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे 9.143, यानी कि 9.143, और डी पॉइंट तक की दूरी कितनी है आपकी 1 मीटर और 2 मीटर, कितनी हो गई टोटल 3 मीटर, तो 3 मीटर हो जाएगी। फिर माइनस ये जो बल लगा हुआ है 7 किलोन्यूटन का, इसकी दूरी यहाँ तक की कितनी है, ये हम माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बल ऊपर से लगा हुआ है, यानी कि ये क्लॉकवाइज लगा हुआ है, इस कारण हम इसे ले रहे हैं माइनस का 7 गुणा इसकी यहाँ से दूरी कितनी है 2 मीटर। तो ये हो जाएगा, इसकी यहाँ से गुणा कर लीजिए 3 × 9 = 12 और 3 × 3 = 4 0.927, ये हो जाएगा 27.429 माइनस 7 × 14, इसे इसमें से घटा लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 3.1, यानी कि 13.429 किलो न्यूटन मीटर। तो इतना बेंडिंग मोमेंट अब आपका डी पर आ चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, अब बात करते हैं पॉइंट सी की। सी पर, अब हम सी बिंदु पर बात करते हैं, तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट 8.C। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम प्रतिक्रिया देखेंगे, इसकी प्रतिक्रिया की दूरी कितनी हो गई यहाँ से सी पॉइंट से, 2, 2 और 1, यानी कि 5 मीटर हो गई। तो 9.143 गुणा हो जाएगी 5 से, फिर माइनस जो 7 किलोन्यूटन का लोड है वो कितनी दूरी पर लगा हुआ है, 2 और 2 = 4 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस के 7 × 4, फिर माइनस ये भी ऊपर से ही लगा हुआ लोड है इसलिए इसे भी हम माइनस में ही लेंगे, तो 4 की गुणा हो जाएगी, इस 4 किलोन्यूटन के लोड की कितनी दूरी है 2 मीटर की। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करके लिख लेंगे हम, 5 × 15 = 20 और 1 = 21, 5 × 5 = 2 = 7 और 5 × 9 = 45। ठीक है, ये हो जाएगा 45.715 माइनस 7 × 28 और माइनस 4 × 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45.715 माइनस 36। ठीक है, इसका मान आ जाएगा, जो बेंडिंग मोमेंट सी पर बेंडिंग मोमेंट होगा उसका मान आ जाएगा 9.715 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप लोगों को पता चल गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट ए पर, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा हमारा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट 8.A। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया हम लेकर चलेंगे, प्रतिक्रिया 9.143 गुणा प्रतिक्रिया की ए पॉइंट से दूरी कितनी हो जाएगी, 2 और 2 = 4, 2 = 6 और 1 = 7, यानी कि ये हो जाएगी 7 माइनस, फिर हम इस लोड की यानी कि 7 किलोमीटर का जो लोड लगा है इसकी दूरी देखिए कितनी हो जाएगी, 2 और 2 = 4 और 2 = 6। ठीक है, माइनस के 7 × 6, फिर माइनस इस लोड की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 × 2 = 4। ठीक है, फिर माइनस इस 3 किलोमीटर के लोड की दूरी 3 × 2। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करके लिख देते हैं, 7 × 21 = 7 × 28 = 2 = 30। ठीक है, 7 × 7 = 3 = 10 और 7 × 63 = 1 = 64, ये हो जाएगा 64 किलोन्यूटन का लोड। ठीक है, तो इतना जब आ गया है, अब इसे भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं हम, 6 × 7 = 42 माइनस 4 × 16 और माइनस 3 × 6, तो ये भी आपका 64 ही हो जाएगा, 64 - 64। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0 किलोन्यूटन। तो 0 किलोन्यूटन का लोड अब आपका यहाँ पर आ गया है। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी ये बल लगे हुए हैं और जो ये प्रतिक्रियाएं हैं इनके समांतर रेखाएं खींच लीजिए, ये डॉटेड लाइन आप खींच लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें यही काम करना है, फिर उसके बाद हमें एक लाइन खींचनी है जिस पर हमें अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, यदि हमारे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के मान जो आ रहे हैं अगर प्लस के आ रहे हैं तो उन्हें ऊपर दिखाइए और अगर निगेटिव आ रहे हैं तो उन्हें नीचे दिखाइए। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हुए समय
तो उसके बाद सबसे पहले हम बी पॉइंट की बात करते हैं। बी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 किलो न्यूटन मीटर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगी ये बी पॉइंट की स्थिति। ये ई पॉइंट है और ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे बी पॉइंट की स्थिति। तो अब हम बात करेंगे, जब हम ई पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो ई पॉइंट पर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो 9.143 है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इस पर 9.143 की कोई भी हम एक पॉइंट ले सकते हैं। मान लिया हमारा पॉइंट ये है, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट लगाने के बाद अब हम डी बिंदु की तरफ चल रहे हैं। डी बिंदु की जो लाइन है इस पर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है जो डी पॉइंट पर, उसका मान है 13.429, ठीक है। तो हम 13.429 पर कोई भी स्केल लेकर यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे। हमने माना कि हमारा पॉइंट 13.429 का यहाँ पर मिल चुका है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम सी बिंदु की तरफ चलते हैं। सी बिंदु की जो लाइन है इस पर हमें पता चला है कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो 9.715 है, ठीक है। तो हम 9.715 पर एक निशान लगा लेंगे। तो हमें पता चला कि हमने जो हमारा स्केल है उस पर 9.715 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ए बिंदु पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो है, तो यहाँ पर ये जीरो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा लिया, यह है 0 किलो न्यूटन मीटर। अभी जो भी पॉइंट है इन्हें हम मिला देते हैं, और इनके बीच में किस प्रकार की हमें रेखा रखनी है वो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करता है। यदि यूडीएल लोड होगा तो इसे हम परवलय के रूप में लगाएंगे निशान, ठीक है। और यदि पॉइंट लोड होगा तो इन्हें हम एक सीधी रेखा के अनुसार लगाएंगे, ठीक है। तो सीधी रेखा होगी, इसलिए मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से यहाँ पर मिला दे रहा हूं। इन सभी पॉइंट्स को हमें मिलाना है और हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनकर आ गया है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से आप लोगों को अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं। यदि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर पॉइंट लोड लगे हुए हैं तो इसी प्रकार से आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ये मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, या फिर आपकी पॉइंट लोड की स्थिति हो सकती है या फिर यूडीएल लोड की स्थिति हो सकती है। केवल दो ही लोड की स्थिति के ऊपर ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। तो बच्चों हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।